आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद गरीब परेशान हैं, लेकिन आदाद व शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो अमीर लोग जो हैं वो एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार रहते हैं। क्या समझते हैं आपके इसकी क्या वजह है? देखिए, जो फ़र्क है ना हैप्पीनेस और प्लेजर के अंदर, लोग समझते हैं कि शायद ये जो प्लेजर है ये हैप्पीनेस का नाम है। प्लेजर है किसी चीज़ का फौरी हासिल हो जाना, ठीक। और ये कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पसंद की एक इंतहाई चीज़ के लिए बड़ी तगड़ो करते हैं, उस चीज़ को लेके आते हैं, जब वो चीज़ आपके पास आती है तब आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा हो। अब वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, बिल्कुल ये होता है, ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने अपने बच्चों की भी तरबियत ऐसी कर दी है कि उनको सिर्फ ये लगता है कि यार ये जो प्लेजर है ना बस ये हमें हासिल हो जाएगा तो फिर हमें जो है वो हैप्पीनेस भी मिल जाएगी, जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। एक इंस्टेंट है, यानी मेरी एक इंस्टेंट एक ख्वाहिश है, जैसे बल्कि अगर हम अपने मेंटल हेल्थ लैंग्वेज के अंदर इसमें बात करें कि हमारे जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं ना वो दो एक मेजर केमिकल्स हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, एक हमारा डोपामीन है, एक हमारा सेरोटोनिन है। जैसे मुझे कोई क्रेविंग होगी तो मेरा डोपामीन जाग जाएगा और डोपामीन कहेगा बस लाओ 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 लाओ, ओके, ठीक है, वो लेके आओ लेके आओ लेके आओ। जब वो चीज़ मुझे हासिल हो जाएगी तो अब सेरोटोनिन का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुझे उसकी एक सेटिस्फेक्शन दे सके। Okay. तो अब अगर मेरा एक लाइफ स्टाइल जो है वो ये है कि बस मुझे हर चीज़ हासिल करनी है, यानी मुझे सिर्फ अर्ज है, मुझे सिर्फ क्रेविंग है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी असल खुशी इस मादे में है, ठीक। अच्छा, मटेरियल के अंदर हैप्पीनेस नहीं हो सकती। एग्रीड, सही। मटेरियल के अंदर हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग विच इज इनसाइड। ये मोबाइल फोन मेरे लिए क्रेविंग हो सकता है, मोबाइल फोन मेरे लिए हैप्पीनेस नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इस मोबाइल फोन से अपने किसी चाहने वाले को बात करूं, वो मुझे तस्वीर भेजे, yes. उससे बाद मेरे अंदर एक फीलिंग आई और अब मुझे उस हैप्पीनेस की समझ में आई। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, ये मोबाइल फोन हो या कोई भी मोबाइल फोन? ग्रेट। क्योंकि मेरी जो हैप्पीनेस है वो इस मोबाइल फोन के साथ अटैच नहीं थी। जैसे ही हम मटेरियल के साथ अटैच करेंगे अपने उस प्लेजर को ये समझते हुए कि ये हैप्पीनेस है, वो नहीं आएगी। खुशी, सुकून, इत्मीनान मादे में नहीं हो सकता, मटेरियल में नहीं हो सकता। ग्रेट। और मैं आपको बताऊं, मशीन में तो हो ही नहीं सकता। ग्रेट। खुशी, इत्मीनान, सुकून सिर्फ नेचर के साथ हो सकता है। और नेचर क्या है? फूल है, ताज़ा हवा है, पानी है, चरिंद परिंद है, और सबसे ज़्यादा सुकून और इत्मीनान कहाँ मिलेगा? जहाँ पे इंसान है। तो अगर मैंने अपने उस मादे की जो चीज़ों को अगर किसी इंसान के साथ अटैच नहीं किया तो फिर वो मुझे हासिल नहीं होगा। तो ये जो अमीर लोग होते हैं ये इतनी मादा परस्ती में आ चुके होते हैं, ये इतनी आसाइशें जमा कर लेते हैं, इतना मटेरियल जमा कर लेते हैं कि ये समझते हैं कि ये मटेरियल मुझे जो है वो देगा। एक गरीब आदमी जब अपनी आधी रोटी अपने बच्चे के साथ और आधी रोटी खुद शेयर कर रहा होता है, वो इतनी खुशी हासिल कर रहा होता है बजाय उसके कि एक डाइनिंग टेबल के ऊपर अलग अलग खाना लगा के बैठे हुए और खाने का दिल नहीं कर, बिल्कुल, और वो खाया जो है वो नहीं जा रहा। हालांकि उसने अपने हिसाब से कोई बहुत जबरदस्त किस्म की कोई चीज ऑर्डर कर दी है, लेकिन वो उसकी अट्रैक्शन उस वक्त तक तो थी कि यार मैं ये डील मंगा लूं, बिल्कुल, अब सामने रखा हुआ, अब दिल नहीं कर, दिल नहीं कर रहा, खा लिया तो एंजॉय नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा, जब एंजॉय नहीं कर रहा तो हजम भी जो है वो नहीं हो रहा। हाँ, तो ये वो रीजन है कि जो अब इंसान ने ये गलत फहमी में गया कि मटेरियल के अंदर मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मटेरियल में प्लेजर मिलेगा, और प्लेजर इज अ वेरी शॉर्ट टर्म, प्लेजर इज बट इंस्टेंट होता है, ऐसे आता है, ऐसे जो है वो चला जाता है। तो ये इसीलिए वो क्या करता है, मजीद इस धोखे के अंदर क्या करता है, और चीजें जमा करते हैं कि शायद इससे नहीं तो इससे प्लेजर होगा, इससे होगा, इससे क्या होता है, मजीद हाइपर हो जाता है, राइट, मजीद वो घबराहट का शिकार हो जाता है, मजीद मादा परस्ती की चीजें जमा करना शुरू कर देता है। तो जब पांच चीजों से नहीं मिला तो पांच और जमा करके क्या मिलेगा, बजाय इसके कि वो रुक जाए और उस एक की और असल पे जाए और उसको अगर वो प्रोलॉन्ग एंजॉय करे किसी के शेयर करके के साथ, तब उसको ये समझ में आएगी कि प्लेजर और हैप्पीनेस का फर्क क्या है।